रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से धोनी के नाम पर ठगी का और बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। हटिया डीएसपी अरगोड़ा थानेदार टेक्निकल टीम के साथ एसआईटी का गठन हुआ है। सीसीटीवी कॉल डंप मोटरसाइकिल के नंबर सहित कई बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। 22 अक्टूबर को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू फल मार्केट के पास से 1.5 साल के बच्चे को लेकर फरार हुए महिला और पुरुष। रांची के अरगोड़ा में अपहरण का मामला सामने आ रहा है, जहां धोनी के नाम पर ठगी और बच्चे का अपहरण किया गया। हटिया डीएसपी अरगोड़ा थानेदार टेक्निकल टीम के साथ एसआईटी का गठन हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज निकाले जा रहे, कॉल डम किए जा रहे, मोटरसाइकिल के नंबर सहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पूरा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां धोनी के नाम पर ठगी की गई और बच्चे का अपहरण किया गया है। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। इमरान, देखिए अपहरण का मामला सामने आ रहा है, धोनी के नाम पर ठगी की जा रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, 22 अक्टूबर को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू फल मंडी के पास एक महिला से उसके 1.5 साल के बच्चे को लेकर दो अन्य जो आरोपी हैं, एक महिला एक पुरुष, वो लेकर के चले गए हैं। पूरे मामले में जब पुलिस से जांच की गई या जानकारी दिया गया, तब पीड़ित महिला के द्वारा, जो कि बच्चे की मां, ने पुलिस को जानकारी दी कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर पहले महिला को उस जगह पर बुलाया गया था, कहा गया था उसे 5,000 रुपये और धोनी जो है एक घर देंगे, जिसके बाद वो अपने बच्चे के साथ वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान उसे झांसे में लेकर के उसे ठगते हुए उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, 1.5 साल के बच्चे का, और जो दोनों बाइक से पहुंचे थे, एक महिला और एक पुरुष, वो लेकर के फरार हो गए। इस पूरे मामले पर अब जो है पुलिस जांच जो है और तेज हो गई है। रांची एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस टीम में अरगोड़ा थानेदार, हटिया डीएसपी सहित टेक्निकल टीम को रखा गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। साथ ही साथ इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कॉल डंप के साथ साथ जो बाइक नंबर बरामद होने की जानकारी पुलिस को मिल रही है, उसके अनुसार पुलिस जो है अपनी जांच की गति को तेज कर दी गई है। और जो बच्चे का अपहरण किया गया था ठगी करने की घटना करने के बाद, उस पूरे मामले में पुलिस जो है बच्चे तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस का एंगल कई अन्य बिंदुओं पर भी है, जिसके तहत पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एसआईटी जांच करने के दौरान कई पहलुओं की जांच रांची पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक पिछले 22 अक्टूबर को यह पूरा मामला प्रकाश में आया था और इस पूरे मामले के बाद रांची पुलिस के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अब तक 28 तारीख हो गए हैं, लेकिन बच्चे का जब कुछ हद तक पता नहीं चल पाया है, तो रांची एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई जो है और तेज की है, और इस पूरे मामले पर बच्चे की बरामदगी के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल इमरान, तो अब कार्रवाई के बाद और जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।